देखे तो छल तो बहुत पहले से ही होते आ रहा है बीजेपी शासन से, और एक बार फिर हम लोग बहुत परेशान थे, जिंदगी गुजारा हुआ सर तो कहीं सुनवाई नहीं है वापस नहीं हुआ। बस्ती के बीच से वो लाश लेकर आते हैं ये लोग, और यहाँ सैतानी हरकत भी होता है, बच्चे लोग डरते भी हैं और हर तरह के। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आप मुनादी चौपाल में देख रहे हैं हमारा खास पेशकश, यहां डर लगता है। डर किस बात का है, डर क्यों लगता है, वजह क्या है? हम आज इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आए हैं कुनकुरी का आज़ाद मोहल्ला, जहाँ के सैकड़ों लोग बरसों से परेशान हैं, और परेशानी का सबब जो वजह है वो है यहाँ का चीरघर। इस बस्ती में बरसों से यहाँ एक चीरघर है, और चीरघर को लेकर लोग परेशान हैं। तो परेशानी किस बात की है, डर क्यों लगता है, हम सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और यहाँ के जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, ये आपका नाम क्या है? मोहम्मद खुर्शीद आलम। ये बस्ती में ये चीरघर कब से, कितने साल हो गए? ये तो जब से हम लोग पैदा हुए तब से देख रहे हैं, जब यहाँ पर मोहल्ला नहीं था उस समय से ये बसा हुआ है। अच्छा, मतलब बस्ती बाद में बस चीरघर पहले बसा है? कुछ घर थे यहाँ पर, है ना, 2-4, 10-20 घर था, अब तो पूरा चारों तरफ से बस्ती हो गया, चीरघर पूरा बीच में आ गया है, बहुत स्पष्ट दिख रहा है। हाँ, है ना, अब रह गया कि परेशानी है। कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 दिन का डेड बॉडी हो, कहीं पानी का डूबा हो, ला के छोड़ देता है, कोई पोस्टमार्टम नहीं होता है, तो बदबू से परेशान है आदमी। शाम होता है तो बच्चा लोग इधर आना जाना नहीं, अब चारों तरफ से बस्ती है और बीच में चीरघर है, अंजाम आप ही लोग देख सकते हैं। तो देखिए, इनका कहना है कि काफ़ी लंबे समय से है बच्चे वहाँ जाने से डरते हैं, और जो शव होता है वो काफ़ी सड़े गले भी से ये शव कभी कभी यहाँ पर आते हैं, और इसके वजह से यहाँ पर बदबू लोगों को आती है, और मत सड़ांध की वजह से लोगों का यहाँ पर जीना दुश्वार हो जाता है। अच्छा, ये और कौन? अच्छा, ये काफ़ी लंबे समय से ये मतलब ये सब कुछ चलता आ रहा है यहाँ पर है, तो आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई इसकी? आवाज़ बहुत उठाए हैं, मंत्री लेवल तक आवेदन दिया हुआ है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या वजह है कि मंत्री लेवल तक पहुँच, ये किससे किससे मुलाकात हुई आप लोगों की? अमरजीत भगत से भी हुई है, आपका विधायक कुनकुरी से भी हुई है चर्चा, लेकिन आज तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई। बोलते क्या हैं लोग? हाँ, हटवा देंगे कह के सिर्फ दिलासा देते हैं, आज तक तो कुछ कार्रवाई हुई। देखिए, इनका कहना है कि ये जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के लोग हैं, उनसे भी इनकी बात हुई, लेकिन केवल इन्हें आश्वासन मिला, और आश्वासन के अलावा इन्हें कुछ मिला नहीं। चीरघर आज भी अपनी जगह पर कायम है। तो देखिए, बस्ती के बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हम इनसे बात करते हैं। बाबा, ये चीरघर यहाँ आप लोगों की बस्ती के बीच में है जी, तो इसमें क्या, ये किस तरह की दिक्कत होती है आप लोगों? बहुत दिक्कत होती है सर। किस तरह की दिक्कत होती है? बहुत शैतानी फितरा है, और आने जाने के हर चीज़ के यहाँ तकलीफ हम लोग के है। शैतानी फितरत मतलब किस तरह से, मतलब क्या होता है? अरे, बच्चा लोग डरता है, जैसे ऐसे छोटे छोटे है, कह गो है कि हुआ, तो उसमें जादू शहर से उस सब के रूह तड़पते रहता है, तो यहाँ रहता है, तो बच्चे लोग पकड़ लेता है, महकता है, बहुत महकता है, लास्ट फेंक के चल जाता है, तो अब कैसे हम लोग जिंदगी काटे? तो देखिए, इनका कहना है कि शैतानी रूह भी इन्हें परेशान करता है, क्योंकि ये जो लाशें होती हैं काफ़ी ये पुरानी होती हैं, और चूंकि एक रूह होता है तो इनको डर लगता है। बाबा, कभी आप सुने हैं यहाँ की मतलब कुछ आवाज़ बता? हाँ, आ सर, हम तो शुरू से सुनते आए, यहाँ पर किसी का मकान नहीं था, हमारा बना हुआ था, उस वक्त से जुल्फी बाबू बनवा के गया था, अमीन मियाँ, अच्छा, ये राहुल है और है आप लोग, हम लोग बहुत परेशान थे, जिंदगी गुजारा हुआ सर यहाँ पर। नहीं तो कहीं सुनवाई नहीं है आप लोग? नहीं हुआ सुनवाई, आज तक कोई सुनवाई, जो मैंने आया वो अभी हटवाएंगे, तभी हटवाएंगे, राजा आया हुआ है से हटवा देंगे, कहाँ अभी तक हटा नहीं, मतलब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं इनके मतलब जो इनका दर्द है कि हम कि मतलब काफ़ी लंबा अरसा हो गया ये मतलब इस जहमत से जूझते हुए, लेकिन जो इनकी जो मूल समस्या है जिसको लेके काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, इन पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, बात करते हैं उनसे, आइए बताइए क्या परेशानी है। अच्छा, ये
ये बस्ती में जो चीर घर, किस तरह का मतलब दिक्कत क्या होती है आप लोगों को? दिक्कत वही होता है जब सड़ा गला लाश आ जाता है तो सबको खाना पीना में हर चीज में दिक्कत होता है, हवा चलता है तो पूरे मोहल्ले में महकता है। और डर लगता है कि नहीं? डर भय अब ऐसा चीज है ही है तो कभी कभार लगता है, वैसा तो खैर नहीं है लेकिन लगता है, आवाज भी आता है। ये किस तरह की आवाज आती है? ठक ठक का आवाज आता है, जैसे सिर फाड़ते हैं यहीं से। कहाँ से? अच्छा, तो आप लोग मतलब निकलते नहीं है रात, मतलब रात में चाहे? नहीं, निकलते हैं। निकलते हैं हाँ। मतलब आवाज आती है लेकिन डर वैसा मतलब डर नहीं लगता है? अब हम लोग का तो रह गया है, अब अभी का बाल बच्चा लोग ज्यादा डरते हैं, हम लोग का तो आदत सा हो गया है तो उतना वो नहीं लगता है। तो देखिए, इनका कहना है कि ये तो काफ़ी लंबे समय से समस्या से जूझ रहे हैं इसलिए इनको डर अब थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चे भी भयभीत होते हैं और लोग बच्चों को ये इस जगह पे नहीं जाने देना चाहते। तो हम कुछ और लोग हैं जो जमीन से बात कर रहे हैं। भैया, ये चिरघर जो बस्ती में, इसको किस तरह से दिक्कत हो रही है आप लोग? बहुत समस्या भैया। क्या होती है समस्या? ये है कि सड़क गला लाश आता है यहाँ पे, वो बस्ती के बीच से वो लाश लेकर आता है और यहाँ शैतानी हरकत भी होता है, बच्चे लोग डरते भी हैं और हर तरह के चीज़ देखा जाता है, आवाज़ मिलता है रात का समय। किस तरह का चीज़ देखा जाता है? कभी आपने महसूस किया? आवाज़ मिलता है, भूत डराता है यहाँ पे कि अगल बगल वालों को, मतलब ऐसा ऐसा आवाज़ मिलेगा यहाँ पे कि लोग डर जाते हैं, बच्चे लोग डर जाते हैं, ये समस्या है। कभी आप कभी सुने इतने उम्र? नहीं, हम तो यहाँ पे रहते नहीं हैं, जो यहाँ पे नज़दीक में रहते हैं ना वो लोग सुने हैं, बच्चे लोग, महिला लोग, वो लोग सुनते हैं। तो हम कुछ बच्चों से ही बात करते हैं, बच्चे भी हैं हमारे साथ। बच्चे भागिए मत। तो देखिए, बच्चे कैमरा के सामने नहीं आ रहे क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो एक खास मुद्दा यह है कि इस चीर घर को हटाने की मांग काफ़ी लंबे समय से हो रही थी और एक और मतलब इस बात की जानकारी है कि चीर घर हटाने का जो प्रक्रिया होती है वो लगभग यहाँ से पूरी हो गई थी। तो ये खबर ये आई थी कि आप लोगों ने चीर घर हटाने का एक प्रस्ताव लाया था और प्रस्ताव पास भी हो गया था, क्या हुआ फिर? नमस्कार। सबसे पहले तो बस्ती वाले मेरे पास काफ़ी सालों से परेशान चल रहे थे चीर घर के लोग। तो कुछ समय पहले हमारे यहाँ सफ़ी अहमद जी आए हुए थे, सफ़ी अहमद आयोग के अध्यक्ष जो हैं, कुछ महीने पहले आए हुए थे। तो लोग यहाँ के इकट्ठे होके मेरे पास आवेदन लेके आए हुए थे कि इस चीर घर को हटाना है, और मैंने अपने लेटर पैड पे टाइप करवा के यहाँ के 100-200 लोगों के साइन सिग्नेचर करा के आदरणीय सफ़ी अहमद जी को मैंने दिया था, और वहीं पर उन्हें तत्काल इस चीज़ को आदरणीय TS सिंहदेव को उन्होंने व्हाट्सएप किया था। और कुछ महीनों के बाद ही, 15 दिन या महीने भर के बाद ही ये स्वीकृत होके आ गया, पास होके आ गया। कब की बात है ये? 8 महीना पहले की बात। 8 महीना पहले? मतलब 8 महीना पहले की बात है। आवेदन दिया था ये पास होके कुनकुरी आ चुका था, कलेक्टर साहब के पास आ चुका था जशपुर। पास भी हो गया? पास भी हो गया, पैसा भी सेंक्शन हो गया है। ना पहले की बात, 8 महीना पहले? 8 महीना पहले की बात। आवेदन दिया था ये पास होके कुनकुरी आ चुका था, कलेक्टर साहब के पास आ चुका था जशपुर। पास भी हो गया? पास भी हो गया, पैसा भी सेंक्शन हो गया है और जगह भी तय हो चुका था। कहाँ बनना है? ये डुगडुगिया में बनने वाला था। सारा तय होने के बाद सफ़ी अहमद जी से मैंने बात किया, उन्होंने सारा काम कराया, TS सिंह ने पास करवाया, इसे जशपुर कलेक्टर के पास आ चुका है। अब किन लोगों की वजह से ये काम रुका हुआ है ये मैं नहीं बता पाऊंगा। काम रुका हुआ मतलब काम शुरू हुआ क्या? काम शुरू हो चुका था डुगडुगिया में, फाउंडेशन का काम स्टार्ट हो चुका था, उसके बाद रोक दिया गया। मैंने इसका गुहार कलेक्टर साहब को भी लगाया, कलेक्टर साहब के पास 2 बार मैंने आवेदन दिया, 2 बार मैंने उनको बोला, लिखे मौखिक बोला कि लोग परेशान होते हैं, बीज बस्ती में है ये मामला चीर घर का, आज तक ऐसा हुआ नहीं है, हर जगह भी जहाँ भी चीर घर होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होती है चीर घर। मैंने अवगत कराया कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए ई को फ़ोन किया और ई को सारी जानकारी देते हुए ई ने SDO कुनकुरी को जानकारी दी, उन्होंने उनसे बात किया, मैं कुनकुरी SDM को इस बारे में जानकारी दी, तहसीलदार साहब को मैंने जानकारी दी। ये काफ़ी लंबे समय से किसके द्वारा इस चीज़ों को रोका जा रहा है, इस बात तो आदरणीय यहाँ के विधायक जी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि उनके नज़र में तो मैं एक छोटा बच्चा हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को बता पाएंगे। सारा पैसा सेंक्शन होने के बावजूद काम किस वजह से रुका है,
लोगों को परेशानी हो रही है। सेंक्शन हुए कितने महीने हो गए? सेंक्शन हुए हुए 4 से 5 महीने हो चुके हैं। 4 से 5 महीने पहले से सेंक्शन भी हो चुका है, ज़्यादा समय ज़्यादा हो चुका है। पहले नगर पंचायत कुनकुरी आया, नगर पंचायत कुनकुरी ने काफ़ी समय तक रोका, उसे छुपा के रखा, उस चीज़ों को दबा के रखा। छुपा के कैसे रखे, मतलब किस तरह? किसी को जानकारी नहीं दिया गया कि सेंक्शन हो गया ये काम। अच्छा, ये मुझे सेंक्शन होने के लगभग 5 महीने बाद पता चला कि सेंक्शन हो चुका है। अच्छा। मुझे वहाँ रायपुर से जानकारी मिली, मैंने जब फ़ोन लगाया आदरणीय सफ़ी अहमद जी को कि इस बारे में चाचा कब तक आप संज्ञान ले रहे हैं, क्या हो रहा है इस मामले में, तो उन्होंने बोला सेंक्शन उसी अगले महीने ही मैंने करवा दिया था उस चीज़ों का, तो मैं बोला आया नहीं है। मैंने जब पता किया तो नगर पंचायत से ये लोग भेज दिए थे जो कलेक्ट्रेट से पैसा सेंक्शन होने के बाद फिर कुनकुरी आया, कुनकुरी के बाद फिर कुछ दिनों तक इन्होंने दबा के फिर इन्होंने जसपुर भेज दिया, फिर आरएस से इन्होंने टेंडर लगवाया। टेंडर लगा हुआ मेरे ख्याल से 8 महीना समथिंग हो चुका है। इस चीज़ों को मैंने एसडीओ साहब को, कुनकुरी आरएस एसडीओ को लगभग मैंने 10 बार कॉल कर चुका हूँ, उनको बोल चुका हूँ, तो बोले ये चालू हो रहा है, वो चालू हो रहा है, ऐसे बहुत सारे बहाने बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये जानकारी इन्होंने पार्षद जिता के दिया था बीजेपी का, उन्होंने वादा किया था कि आप मुझे जिताइए पार्षद यहाँ से कुनकुरी और अध्यक्ष, पार्षद की जानकारी थी मुझे कि पार्षद जिताइए और यहाँ से चीरकर हटाइए। तो इनके साथ छल तो बहुत पहले से ही होते आ रहा है बीजेपी शासन से, और एक बार फिर छला गया इन्हें, मतलब बीजेपी भी छल चुकी है और कांग्रेस भी छल रही है इनको। बीजेपी तो छल ही चुकी है, और कांग्रेस ने वादा किया था, मैंने काम किया, सेंक्शन हो गया, कुछ लोगों की वजह से रुका हुआ है काम। मैं तो कुल मिलाकर अभी तक काम मतलब चालू नहीं हुआ, सेंक्शन होने के बाद जिसकी स्वीकृति मिल गई थी। तो आप सुन सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से लोग इस चीरघर से परेशान थे, और काफ़ी लंबे समय के बाद इस चीरघर को हटाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ, सरकार ने सेंक्शन भी कर दिया, लेकिन आज 8 महीने होने को हैं अभी तक इस पर कोई पहल नहीं हुई है। निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था, यहाँ से कुछ दूरी पर डुगडुगिया नामक जगह है वहाँ पर, लेकिन अब वो काम रोक दिया गया है। किस वजह से रोका गया है? तो ये युवक कांग्रेस के ये विधानसभा अध्यक्ष हैं कुनकुरी के, इनका भी साफ कहना है कि हमने सबसे गुहार लगाई, प्रशासनिक अधिकारी से भी बात की, जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके भी संज्ञान में है, लेकिन किस वजह से रोका जा रहा है इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। तो ये जो भूत से तो लोग परेशान ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो सरकारी भूत हैं इनसे छुटकारा इन्हें कौन दिलाएगा? तो बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुनादी चौपाल। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।